शिमला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजोली छात्र संगठन SFI व कॉलेज प्रशासन के बीच तनाव बढ़ गया है। संजोली कॉलेज में छात्र नेताओं के निष्कासन पर SFI भड़क गई है। मंगलवार को शिमला के सभी कॉलेजों जिनमें RKMV कोट शेरा इवनिंग से SFI कार्यकर्ता संजोली गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। SFI कार्यकर्ता कॉलेज परिसर के अंदर जाने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और SFI कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। SFI ने कॉलेज प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक निष्कासित किए गए छात्रों को वापस नहीं लिया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अंदर जो धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं इस बात को लेकर हो रहा है कि कॉलेज से 6 छात्र छात्राओं को निष्कासित किया गया है, उनको एक्सपेल किया गया है केवल इस बात को लेकर कि इस कॉलेज के अंदर एक छात्रा जिसके साथ छेड़खानी होती है जब अपनी कंप्लेंट लेके कॉलेज के वुमेन सेल के पास जाती है तो वुमेन सेल उसकी बात को दबाने की कोशिश करता है। SFI उसके साथ खड़ी होती है। SFI के लोग कॉलेज के वुमेन सेल के जो टीचर्स हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आप अभी इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं इस पे ले रहे हैं, क्यों आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ इस कॉलेज के जो कुछ गिने चुने प्रोफेसर है जो यहाँ राजनीति करने का काम करते हैं वो ज्यादा लोग नहीं है, 3-4 लोग हैं जो राजनीति करने का काम करते हैं, गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। कुछ महीने पहले भी यहाँ इंसिडेंट हुआ था, यहाँ के एक सीनियर प्रोफेसर ने कॉलेज के प्रधान और सेक्रेटरी को मारा था। अभी फिर से वो इंसिडेंट होने लगा है कि इन लोगों ने कॉलेज के जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता है उन लोगों के ऊपर उनके साथ मारपीट की गई, उनको धक्का मुक्की की गई, उनको मारा गया और उसके बावजूद उन लोगों को यहाँ से एक्सपेल किया गया। उनकी गलती केवल इतनी थी कि वो एक छात्रा के साथ खड़े थे जो छात्रा छेड़खानी के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही थी। हमारा ये मानना है कि इस लड़ाई को केवल हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे तब तक लड़ेंगे जब तक छात्रों का निष्कासन वापस नहीं लिया जाता और इस कॉलेज के अंदर ये जो बार बार गुंडागर्दी का और डर का माहौल बनाया जा रहा है इस माहौल के खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर देशव्यापी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल भारती भांगड़ा ने कहा है कि कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को कई बार शो कॉज नोटिस जारी किए हैं लेकिन छात्र बाज नहीं आए, शिक्षकों के साथ बदतमीजी व धमकियां दे रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे स्टाफ व वुमेन सेल की सिफारिश पर 6 छात्रों को निष्कासित किया है। बदतमीजी पे उतर आए और इस तरह से हमें कार्य करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अगले दिन ये सुबह आते हैं कि हमने धरना प्रदर्शन करना है कि लड़की के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। मैंने बोला कि आपको परमिशन नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आउटसाइडर बुला लिए अपने और यहाँ पर टीचर्स को बहुत बदतमीजी की, मैन हैंडलिंग की और हर काफ़ी सारे टीचर्स को बोला आप चौक पे आइए, मैं आप हम आपको देख लेंगे। इनको बोला कि आपके तो सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, आप क्यों छुछुंदर की तरफ उदक, आपने बोला तू काय को छुछुंदर की तरफ उदक रहा है। अब आप बताइए हम कितना इनका ये हमारे स्टूडेंट हैं पर ये स्टूडेंट नहीं है। ये जो इनका व्यवहार है वो शिक्षकों के प्रति ठीक नहीं है। हर टीचर को इस तरह से कहना कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे आप बाहर निकलो, इस तरह से मेरे स्टाफ ने बोला जी इस तरह से काम करना तो बड़ा मुश्किल है। वहीं कॉलेज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कॉलेज में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गेट से लेकर पूरे परिसर में पुलिस व QRT के जवान तैनात किए गए हैं। कॉलेज परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान हैं। पुलिस जवान बच्चों को आई कार्ड चेक करने के बाद ही कॉलेज में एंट्री दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।